Hello and welcome to the virtual classroom of Jafri Academy of Modern Education. My name is Murtaza and I'll be teaching you English literature. और जैसे कि हम कुछ students की request पे पापाची स्मॉथ बाय अरुंधति रॉय को दोबारा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और I hope that you get you understand the different nuances of this this essay this is an extract from the book of Arundhati Roy, The God of Small Things. तो अरुंधति राय के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दोबारा देने की कोशिश कि अरुंधति राय 1961 में पैदा हुई 24 नवंबर को और एक हिंदुस्तानी राइटर है जो अंग्रेजी जुबान में लिखती है और एक सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने किताबों की दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है बुकर प्राइज 1997 में जीता किस बुक के लिए अपनी पहली किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए और 2002 में उन्होंने लेनिन कल्चरल फ्रीडम प्राइज भी मिला उन्होंने दो स्क्रीन प्लेस भी लिखी हैं और उनकी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ एसेज भी हैं वो एक बहुत ही रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पे बातें करती हैं वो एक केरलाइट क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई थी और शिलोंग शहर में शिलोंग शहर में मेघालय का जो कैपिटल है और उनकी मदर एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी मैरी रॉय और उनके फादर एक बंगाली थे उन्होंने अपना बचपन एमएनएम केरला में गुजारा और उसके बाद वो कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल कोट्टायम चली गई और जिसके बाद वो लॉरेंस स्कूल गई उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से जहाँ पे वो अपने पहले हस्बैंड से मिले जेरार्ड डकुना और रॉय अपने सेकेंड हस्बैंड प्रदीप कृष्णन जो फिल्म मेकर थे 1984 में मिले और उन्होंने एक विलेज लड़की का भी काम किया किसमें अवार्ड विनिंग फिल्म मासी साहब में अंटिल और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी होगी किसके बाद गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बाद उनकी बुक निकलने के बाद उसके बगैर वो एरोबिक्स क्लासेस चलाती है न्यू दिल्ली के फाइव स्टार होटल में शी इज कमिटेड ह्यूमन राइट्स उन्होंने एरोबिक्स क्लासेस भी किए और एक ह्यूमन राइट्स के बारे में वो काफी एक्टिविज्म करती है और कंटेम्प्रेरी और पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखती रहती है आप देख सकते हैं इंटरनेट पे उनका काफी आर्टिकल होता है पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के बारे में या कश्मीर के बारे में अब इंट्रोडक्शन एक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे ब्रीफ कहानी है किस बारे में कहानी नहीं कहेंगे कि आप जो बुक में से एक एक्सट्रैक्ट है कुछ कैरेक्टर्स हैं पापाचीज मौत ९९७ में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो छपी थी एक स्टोरी है बचपन के एक्सपीरियंसेस के बारे में एक अपेयर ऑफ फ्रेटरनल ट्विंस ठीक है दो फ्रेटरनल ट्विंस का जो कि हालात का शिकार हो गए थे और ये किताब जो है इज हाउ अबाउट स्मॉल थिंग्स बिल्ड अप वंस बिहेवियर एंड अफेक्ट्स लाइव्स ऑफ पीपल अभी किताब किसके बारे में कि छोटी छोटी चीजें इंसान के बिहेवियर को कैसे शेप करती है और उनकी जिंदगी पे कैसे असर करती है यो ये किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में छपी थी और एक मास्टर पीस के तौर पर लोगों के सामने काफी लोगों ने एक तो पर्टिकुलरली जो क्रिटिकली इसको बहुत अक्लेम मिला इस किताब को और 21 से ज्यादा कंट्रीज में ये छपी और इसके छपने से पहले ही £500,000 इन एडवांसेस ठीक है £500,000 उसको मिले इसके छपने से पहले ही जो ये कहानी है ये एमनम नाम के शहर में होती है जो कि कोट्टायम का हिस्सा है केरला में और जो इस कहानी का जो टेम्पोरल सेटिंग है यानी कि टेम्पोरल सेटिंग यानी कि कहानी का जो सेटिंग है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है वो यानी कि 1969 में राहेल और इश्ता जो कि एक फ्रेटर्नल ट्विंस हैं और 7 साल के हैं और 1969 से लेकर 1993 तक ये कहानी चलती है जब ये व्हेन द ट्विंस आर रीयूनाइटेड एज 8:31 जब ये ट्विंस 31 साल की उम्र में दोबारा मिलते हैं बहुत मच ऑफ द स्टोरी इज रिटन इन अ व्यू ऑफ सिंपैथेटिक टू द 7 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन
कहानी का ज्यादातर जो हिस्सा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि 7 साल के इन दो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से लिखा गया है। मलयालम वर्ड्स डेलिबरेटली इस नॉवल में यूज किए गए हैं इन कंजक्शन विद इंग्लिश। और प्रोमिनेंट केरला के सोसाइटी के बहुत सारे फैसेट्स आपको इसको देखने के मिलेंगे इस किताब में, जैसे कि कम्युनिज्म है, कास्ट सिस्टम है, केरलाइट क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ। अब जो ये एक्सेप्ट जो आपका चैप्टर है, ये एक एक्सेप्ट है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से, श्री बेनन जॉन ईपी, जिनका नाम है पापाची, प्यार से वो दादाजी के, यानी कि प्यार से दादाजी कहते हैं उसको केरला में पापाची। वो एक एंटोमोलॉजिस्ट है, यानी कि कीड़ों के स्टडीज करने वाले, और उनकी रिटायरमेंट प्रायर टू हिज रिटायरमेंट के करीब है। और फादर अमू एंड चाकू विद हिज वाइफ, और उनके दो बच्चे हैं अमू और चाकू, और उसकी वाइफ है शू शामा ईपी, और उनको मामा जी कहते हैं सब प्यार से। हिज फसाड ऑफ बीइंग ए परफेक्ट हस्बैंड एंड फादर हाइड्स हिज अब्यूजिव टेंडेंसीज टुवर्ड्स हिज फैमिली। अब इसका जो स्टेट ऑफ वो है, एग्जिस्टेंस है या प्रेजेंस, अगर हम बताएं कि उसका जो एक परफेक्ट हस्बैंड होने का जो एक वो एक है इमेज है, वो छुप जाता है किस, उसके पीछे एक ये क्या है कि उसकी एक अब्यूजिव टेंडेंसीज है, यानी कि वो काफी इतना व्यवहार उसका इतना सही नहीं है अपने फैमिली के साथ, स्पेशली मामाची। एक रात उन्होंने अपने बीवी मामाची को पीटा। चाकू अमूज ब्रदर रोड स्कॉलर होम फ्रॉम, और चाकू जो कि अमू के ब्रदर है, वो यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड से आए हुए हैं, और उसको रोकते हैं और उनसे धमकी देते हैं कि दोबारा ऐसा ना करें। और उस दिन से लेके उनकी मौत तक पापाची ने मामाची से कभी भी बात नहीं की। तो जो ये लेसन है, ये दबे हुए लफ्जों में इस चीज को उजागर करने की कोशिश करता है, क्या द डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि वबा की सूरत में हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है, बट इसके बारे में हम अक्सर शर्माते हैं बात करने में। और ये जो चीजें हैं डोमेस्टिक वायलेंसेस, या जो अपने पर्सनल रिलेशंस में, जो फिजिकली कहें या जुबान से कहें, तो ये चीजें दबके रह जाती हैं हमारी सोसाइटी में। और कहानी का एक दबे हुए लफ्जों में इन बातों को अरुंधति रॉय ने अपनी इस किताब में बताने की कोशिश की है। और जो ये एक्सेप्ट है, इसमें एक मेजर पोर्शन जो है वो उसी चीज को, उसी अब्यूजिव टेंडेंसी जो पापा जी का मामा जी की टूवर्ड्स था, उसको दिखाने की कोशिश है। सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।